आप सभी लोग प्रतिदिन इस क्लास को ज्वाइन करके कर्मों के आश्रयों के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का आना होता है। वे नहीं दिखते हुए भी आत्मा के गुणों को आच्छादित कर रहे हैं, ढक रहे हैं और उन्हें प्रकट नहीं होने देते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर कि इन सब बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हम और आप सभी आते हुए आश्रयों को रोकने में सक्षम हो सकें। तो इसी लक्ष्य को लेकर आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1300 में लगभग आज से 700 साल पहले श्री श्रुत मुनि नाम के आचार्य देव ने किया है और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने इसका हिंदी में अनुवाद करके हम सबके लिए स्वाध्याय अध्ययन का मार्ग सुलभ किया है। तो अब मंगलाचरण पर आते हैं। पणमिय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्ड माण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनह भवीय जना। सभी भव्य प्राणियों, सावधान चित्त होकर के श्रवण कीजिए कि 57 प्रकार का आश्रय जो है प्रत्येक संसारी प्राणी के साथ लगा हुआ है और जागते हुए, सोते हुए, मूर्छित अवस्था में हर कंडीशन में कर्म आते ही रहते हैं। इसलिए उसकी व्यवस्था को बताया गया है कि 57 आश्रय किस प्रकार होते हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये सब मिलकर के 57 प्रत्यय या 57 आश्रय हैं जिनके निमित्त से कर्म आते हैं। आपने प्रारंभ की गाथाओं में उन आश्रयों के भेद और सबके नाम जाने हैं और उसके बाद 11 से 15 तक गाथा 11 नंबर की गाथा में आपने 14 गुण स्थान में होने वाली आश्रय विच्छित्ति को जाना है कि 1 से लेकर 14 गुण स्थान तक किस प्रकार से आश्रय की विच्छित्ति माने एक एक गुण स्थानों में उनके अंत में कितने आश्रय चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वे दूसरे गुण स्थान में उनका उदय नहीं रहता है, वे अनाश्रय के रूप में माने जाते हैं। जिन्होंने प्रश्न किया है कि 9वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक आश्रय विच्छित्ति की संख्या नाम बता दें, आप एक बार पुनः 11 नंबर की गाथा को देख लीजिएगा। अभी चूंकि अनाश्रय का प्रकरण चल रहा है, 12 से 14 नंबर की गाथा में आप जान रहे हैं अनाश्रय की बात। अनाश्रय मतलब आश्रय नहीं होना, यानी पहले गुण स्थान में जो कर्म नष्ट हो गए वे दूसरे गुण स्थान में अनाश्रय बन जाते हैं, यानी उनका उदय नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनाश्रय की व्यवस्था में रखा गया है। तो आश्रय, अनाश्रय और आश्रय विच्छुत्ति, ये 3 भेद हैं, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है आश्रय त्रिभंगी। यानी आश्रय को 3 प्रकार से 3 भेदों के द्वारा बताया गया है, इसलिए ग्रंथ का नाम सार्थक है। तो आपने क्रम से आश्रयों को जाना, आश्रय की विच्छुत्ति की केवल संख्या को जाना है। आगे की गाथा में आपको आश्रय विच्छुत्ति के भेद वाले नामों को भी, उन कर्मों के नाम भी जानने को मिलेंगे, लेकिन अभी चूंकि प्रकरण चल रहा है अनाश्रय का, तो मैं उस पर ही आती हूँ आपके समक्ष। उसी व्यवस्था को लेकर के जानना है, व्हाट इज द आश्रय, द इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास टुवर्ड्स द सोल दैट इज आश्रय। इट हैज बीन रिटन बाय मी इन इंग्लिश 12 भावना। द इनफ्लो ऑफ कर्मास ग्रोज माई यूनिवर्स एंड इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स द पैशंस सेक्रेड एंड सिनफुल काइंड्स ऑफ
आश्रवान आई एम प्रेइंग टू यू जिनवरी देवा आई एम प्रेइंग टू यू praying to you I am praying to you praying to you I am praying to you I am praying to you Jinvari Deva I am praying to you I did not know about my soul I could not think about myself so tell me that path Deva I am praying to you I am praying to you Jinnavari Deva I am praying to you It means that out of the two types of ashravad we should always prefer the shubh ashram at the place of ashubh ashram ashubh ashram ke sthan par hame shubh ashram ko karne ka hi prayatn karna hai jo aapke bacche hindi mein interest na rakhte ho to इस अंग्रेजी की 12 भावना को भी बड़े सुंदर रूप में आप उनको पढ़ा सकते हैं ताकि वे कम से कम इस बात को जान सकें कि हमारे समाज के अंदर जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए और पहले अशुभ आश्रम को छोड़कर शुभ आश्रम में रहे फिर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रमों से रहित होकर के शुद्ध आत्मा में जब लीन होते हैं तब जाकर के एक दिन उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सुनते हैं सुकुमाल मुनि सुकौशल मुनि की जब उनको शालिनी उनको भक्षण कर रही थी अंग अंग से खून टपक रहा था तब वे किस प्रकार से उस उपसर्ग को सहन करते थे। तो आत्मा का चिंतन करके ही 12 भावनाओं का चिंतन करके कि जहाँ देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं परिजन लोए और तब भी मानते थे कि कोई मेरा शत्रु नहीं जो मुझे खा रहा है कोई मेरा मित्र नहीं जो मुझे बचाने वाला है संसार में तो मैं अशरण हूँ मेरी कोई शरण नहीं है यदि शरण है तो धर्म है भगवान शरण है और अपने शरीर को भी बिल्कुल आत्मा से भिन्न समझते हुए भेद विज्ञान के बल पर वे शरीर का भक्षण करने वाले के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखते थे और अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके वे भगवान आत्मा बना करते थे। तो भव्यात्मा आज भी लोग हैं संतों पे उपसर्ग कर देते हैं संतों को गाली दे देते हैं संतों के प्रति अनादर की भावना कर लेते हैं तो ऐसे में संत का नहीं कुछ बिगड़ता उनके तो अशुभ कर्मों की निजरा हो जाती है लेकिन बिचारा करने वाला वो दया का पात्र होता है और वह आगे के लिए न जाने कितने कर्मों का बंध कर लेता है। तो भव्यात्माओं ऐसे आश्रव और बंध को जरूर जानना। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज थे जिनके दर्शन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 3 बार किए नीरा में बारामती में कुंथलगिरी में और किस प्रकार भेद विज्ञान के बल पर आचार्य जी अंतिम संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके और इस नश्वर संसार से चले गए। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन पक्ष को जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो आचार्य जी कभी कभी विद्वानों के समक्ष भी कहा करते थे वे षटखंडागम की धवला जय धवला आदि टीकाओं का स्वाध्याय भी करते थे और उनको प्रकाशित करके सारे पुस्तकालयों में पहुंचाने का जो प्रयत्न करते थे तो जब उन्हें पता चला कि महाबंध नाम के ग्रंथ को कुछ दीमक लोग खा रहे हैं कीड़े खा रहे हैं तो एक दिन वो नष्ट हो जाएगा ताड़ पत्र में लिखा हुआ था। दक्षिण भारत में एक लाइब्रेरी के अंदर था। आचार्य जी ने बहुत चिंता व्यक्त की बड़े पुरुषार्थों के द्वारा विद्वानों से और श्रेष्ठियों से कह करके उन कन्नड़ की प्रतियों को निकलवाया तब उनका एक शब्द आता है किसी ने कहा कि आचार्य जी अब आप तो समय सार का स्वाध्याय कीजिए
आत्मा में लीन हो जाइए। आचार्य श्री ने कहा, मैंने 36 बार भगवती आराधना पढ़ी है, मैं समय सार को अपने जीवन में उतार चुका हूँ। मुझे समय सार नहीं, मुझे महाबंध चाहिए। क्यों चाहिए? कि महाबंध के अंदर ये बात आती है कि किस प्रकार से ये जीव कर्मों का महान बंध किया करता है। ऐसे ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तब बंध से छूटने का भाव आएगा। आपको बंध तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में 8वें अध्याय में बताया जाता है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। लेकिन कर्मों का बंध करने से पहले आप आश्रम को जान लीजिए। जब मेहमान आएगा तब आप उसके साथ में मैत्री भाव करके और उसको बिठाएंगे, उसका आतिथ्य सत्कार करेंगे। कर्म हमारे मेहमान के रूप में आते हैं तो आना उनका आश्रय है। अगर हम उनके साथ मैत्री कर लेते हैं तो वे हमारे साथ बंध जाते हैं, मैत्री वे भी निभाने लगते हैं। और अगर हमने किसी मित्र का, किसी आने वाले अतिथि का अनादर कर दिया, उनका सत्कार नहीं किया, तो वे जरूर चले जाएंगे आपके यहाँ से वापिस। ऐसे ही कर्मों का सत्कार नहीं करना है, कर्मों को हमें आने नहीं देना है। आ गए हैं तो उनके साथ मैत्री नहीं करना है, तो वे अपने आप चले जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार आए हुए मेहमान का सम्मान करना, लेकिन कर्मों के मेहमान को दूर से ही भगा देना। और इसके साथ में हमने आपको आचार्य श्रुत मुनि के द्वारा कथित इस आश्रुति भंगी के माध्यम से बताया कि गुण स्थान 14 होते हैं। गुणों के स्थान जो मोह और योग के निमित्त से कम और ज्यादा रूप में आत्मा की परिणाम होते हैं, उनका ही नाम है गुणस्थान। और वे गुणस्थान होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। यानी 14 रूप में आगे आगे स्टेप बाय स्टेप लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो सबसे नीचे की सीढ़ी कहलाती है मिथ्यात्व, अर्थात अनादिकाल से जीव भगवान के वचनों पर श्रद्धान न करते हुए मिथ्या दृष्टि बना रहता है, गलत श्रद्धान करता है, न जाने कितनी कितनी गलत धारणाओं को बना करके रख लेता है। तो जिनवाणी के शब्दों को जान करके या गुरुओं के प्रवचन के माध्यम से जान करके वह सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करता है, यानी देव साथ गुरु पर श्रद्धान करता है। ये तो मोटी बात है। और अंदर में जब इधर श्रद्धान प्रबल होता है तो अंतरंग में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये कर्म प्रकृतियां हैं, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति इन 7 प्रकृतियों को शांत कर देता है। यानी ये आत्मा के अंदर जो उदय में थी वो शांत होने लगती हैं, तब जाकर के जीव सम्यक दर्शन की ओर बढ़ता है। तो आपको हमने आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्छुति की जो व्यवस्था बताई है उसी को आगे ले चलना है। 7वें गुण स्थान तक हमने बताया था कि देखो चौथे गुण प्रथम गुण स्थान में तो मिथ्या दृष्टि है, उसके बाद में द्वितीय और तृतीय गुण स्थान जो है, द्वितीय गुण स्थान जब कोई सम्यक दर्शन से गिरता है तो बनता है, और तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्रित परिणाम रहते हैं। चौथे गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। आपकी वह अवस्था हो सकती है कि आपने व्रत ना लिया हो लेकिन आपका सम्यक दर्शन अच्छा है, तो समझो हम चौथी क्लास में हैं, चौथे गुण स्थान में हैं। और वही चौथी क्लास वाला श्रावक या श्राविका हो, जब 5 अणुव्रत ले लेते हैं, परिग्रह आदि का प्रमाण कर लेते हैं, प्रतिमा आदि ले लेते हैं, तो 5वें गुण स्थान में हो जाते हैं। जब वही प्राणी आगे और चल करके महाव्रतों को धारण कर लेता है तो दिगंबर मुनि की अवस्था हो जाती है, तब उनके 6ठा और 7वां गुण स्थान होता है। तो आपके वस्त्रधारियों के, हमारे भी वस्त्रधारी के कभी 6ठा 7वां गुण स्थान नहीं होता, दिगंबर मुनिराजों के ही होता है। और जिनके होता है तो वे पूरी तरह से अंदर और बाहर से दिगंबर हो जाते हैं। इनके अंतरंग की अवस्था केवल ज्ञानी जानते हैं, ऊपर से नग्न दिगंबर अवस्था होती है। तो उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि 7वें गुण स्थान में 57 आश्रमों में से 22
आश्रव होते हैं और अनाश्रव होते हैं 35 सातवें गुण स्थान में। जो छठे गुण स्थान में दो आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग उदय में आ गया था तो अनाश्रव में 33 हो गए थे, तो सातवें गुण स्थान में पुनः उदय से छूट गए तो अनाश्रव में आ गए, तो 35 आश्रव हो गए। नए लोग भले ही थोड़ा न समझ पाए लेकिन जिन लोगों ने क्रमवार इसका स्वाध्याय किया है वे जरूर समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ आप क्लास को मिस मत कीजिए। एक पीरियड अगर मिस हो जाता है तो आपको किसी ना किसी अपने फ्रेंड से नोट्स लेने पड़ते हैं और फिर उस विषय को पक्का करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको यद्यपि मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके बताती हूँ फिर भी हर दिन रिवीजन नहीं हो सकता, आगे विषय को चूंकि बढ़ाना है। अब हम आते हैं आठवें गुण स्थान में। आठवां गुण स्थान मतलब उसका नाम है, बोलिएगा आठवें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण। जिन करण माने होता है परिणाम, जिन परिणामों को पूर्व में नहीं किया ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणामों को करने वाले महामुनिराज होते हैं। और जब वो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में चढ़ते हैं तब उनके आठवां गुण स्थान बनता है, यानी कि आठवीं सीढ़ी पर भी चढ़ते हैं। तो वहां पर 22 का ऊपर के समानी आश्रव होता है और अनाश्रव 35 का, 35 का आश्रव, पांचों मिथ्यात्व छूट जाते हैं वहां। और 12 अविरति यानी कि इंद्रियों के ऊपर भी अनुशासन है उसका और प्राणी हिंसा की तो बात ही नहीं उठती, चाहे वो स्थावर हो चाहे त्रस जीव हो। तो 12 अविरति निकल गई उसके, 12 कषाय निकल गई, 12 कषाय मतलब जो 16 कषाय थी तो संज्वलन की 4 छोड़ करके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ ये छूट गए तो 12 कषाय उनका अनाश्रव हो गया। और वैक्रियक द्विक माने वैक्रियक का योग वैक्रियक मिश्र का योग वह भी नहीं है उसका भी अनाश्रव हो गया। आहारक द्विक माने आहारक का योग आहारक मिश्र का योग वह भी नहीं है आठवें गुण स्थान में तो उसका अनाश्रव हो गया। और एक औदारिक मिश्र का अनाश्रव है और एक कारमांड का योग, ऐसे 35 कर्मों का अनाश्रव है। माने जैसे जैसे गुण स्थानों में ऊपर चढ़ रहे हैं ऐसे कर्म का आना कम हो रहा है। तो जो कर्म आते हैं उनको आश्रव कहते हैं, तो अब कर्म आश्रव कम होगा और अनाश्रव ज्यादा का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आठवें गुण स्थान की व्यवस्था को जानना है कि अनाश्रव का प्रकरण चल रहा है तो नोट कर लीजिए 35 अनाश्रव हैं, हमने डिटेल में आपको बताया। अब हम चलते हैं नौवें गुण स्थान में। देखो नौवा गुण स्थान इसका नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान ये भी मुनियों को ही होता है लेकिन चूंकि गुण स्थान की व्यवस्था को लेके चले हैं तो आपको जानना है। आज भी विदेह क्षेत्र के अंदर न जाने कितने मुनिराज इन गुण स्थानों को प्राप्त करके और मोक्ष भी जा रहे हैं, तो व्यवस्था जानना है आपको। तो नौवा गुण स्थान जो है अनिवृत्तिकरण इसका नाम है और इसके 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 भाग। पहले 2 भाग करिए, एक सवेद भाग और दूसरा अवेद भाग, नोट कर लीजिए इसको भी, एक सवेद भाग और दूसरा अवेद भाग। सवेद भाग में भी 3 भेद हैं जिसके अंदर भाव वेद क्रम क्रम से एक एक चले जाएंगे। द्रव वेद केवल पुरुष वेद यानी पुरुष ही केवल ज्ञानी भगवान बन सकते हैं, तो द्रव्य से वो शरीर की अपेक्षा से वो पुरुष रहेंगे और भाव वेद भी उनके हो सकता है। तो एक एक भाग में भाव वेद, पहले भाग में नपुंसक वेद छूट जाएगा, दूसरे भाग में स्त्री वेद छूट जाएगा और तीसरे भाग में भाव वेद पुरुष वेद भी छूट जाएगा, केवल द्रव्य से पुरुष रह करके और कर्मों के क्षपण करने में लग जाएंगे। तो आप सबसे पहले नौवें गुण स्थान के सवेद भाग में पहले भाग में आइएगा। यहाँ पर 16 कर्मों का तो आश्रव है और 41 का अनाश्रव है, तो 41 और 16 कितने हो गए? 57।
तो आश्रव और अनाश्रव की संख्या जोड़ लेंगे तो पूरे 57 की बात आ जाएगी। तो अनाश्रव जो 41 कर्मों का है उनको जानिएगा, 5 मिथ्यात्व वहां नहीं रहते, विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और विनय, ये कोई मिथ्यात्व नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, पहले से ही मिथ्यात्व खत्म हो रहा था, तो 5 मिथ्यात्व नहीं है। 12 अविरति का अनाश्रय हो गया, 12 कषाय, संजलन कषाय अभी उनके बाकी है, 16 कषाय में से अभी संजलन कषाय, जल की रेखा के समान जो होता है, अंतर मुहूर्त जिसका समय होता है, ऐसी संजलन कषाय उनके है, इसलिए 12 कषाय का यहाँ अनाश्रय हो गया। और वैक्रियक द्विक, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश का योग, इसका भी अनाश्रय है, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये भी नहीं होता तो इसका भी अनाश्रय है, और एक औदारिक मिश्र है और एक कारमान है, और 6 योग हैं और 6 हास्यादि 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये हास्यादि 6 हो गए। तो कुल मिलाकर के 41 कर्म प्रकृतियों का अनाश्रय है, और विच्युति आगे हो जाती एक नपुंसक वेद की, यानी वो चला जाता है, तो दूसरे भाग में नपुंसक वेद नहीं रहता। अनाश्रव की बात चल रही है, आप सोचेंगे कि अभी ये अधूरा है, तो एक एक चीज आश्रव की बात बताई, अब अनाश्रव की बात बता रहे हैं, फिर विच्युति में जो संख्या बताई जा चुकी उसके नाम आपको जानना रहेगा, तो 14 गुण स्थान की व्यवस्था 23 गाथाओं में परिपूर्ण हो जाएगी, और वो पूरे चार्ट के साथ में जब आपके पूरे संज्ञान में आ जाएगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा विषय है, क्योंकि हम उन गुण स्थानों को नहीं प्राप्त कर सकते ऊंचे की, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को जान करके आगे के लिए भावना भा सकते हैं कि कब ऐसी परिणति आएगी जब हम पुरुष पर्याय को धारण करके और मुनिराज बन करके और श्रेणी पर चढ़ करके इन ऊंचे ऊंचे गुण स्थानों में कर्मों को नष्ट करके भगवान बनने की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आज यही स्वाध्याय का सार समझना, और कल मैं आपको 9वें गुण स्थान के आगे 5 भागों का अनाश्रय बताऊंगी। आज के स्वाध्याय का सार इतना ही समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, ज्ञान मति को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। चलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की जय, सरस्वती की प्रतिकृति पूज्य गणी ज्ञान मति माता जी की जय, प्रज्ञा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय, प्रज्ञा शमनी आरी करत्न श्री चंदना मती माता जी की जय।